सोनी लिव जाना जाता है अपने बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए, तो उसी तरह से एक नया ताज़ा तरीन वेब सीरीज वाला कंटेंट सोनी लिव ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया है, और उस कंटेंट का नाम है कफस, जिसकी स्टारकास्ट इतनी तगड़ी है कि जो आपको ये वेब सीरीज देखने पे मजबूर करेगी ही करेगी, क्योंकि यहाँ पे शर्मन जोशी है, उनके सामने मोना सिंह और प्रीति झांगियानी, भाई साहब इतनी तगड़ी स्टारकास्ट जिसे देख के आपके अंदर की उत्सुकता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये वेब सीरीज में है क्या। बात तो सही है। सिर्फ 6 एपिसोड की वेब सीरीज है और हर एपिसोड कम से कम 35 मिनट की लेंथ का है दोस्तों, मगर वो कहते हैं ना हर पीली चीज सोना नहीं होती, और हर सोनी लिव का वेब सीरीज या कंटेंट अच्छा नहीं होता, तो ये वैसी वेब सीरीज है जिसका कंटेंट आपको निराश जरूर करेगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर की स्टोरी जो कहना चाहती है ना, अगर वो सुनने में हम देखें ना, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती थी कि बेहतरीन वेब सीरीज हमारे सामने पेश करे, मगर इसका एग्जीक्यूशन इतना पुअर इतना डल था ना कि जिसकी वजह से ये वेब सीरीज बिलो एवरेज की कैटेगरी में आ जाती है दोस्तों। अभी स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे शर्मन जोशी होते हैं, उनकी दो वाइफ होती है, पहली के साथ डिवोर्स हो चुका है और दूसरी के साथ ये रहते हैं, और उसके साथ इनकी फैमिली में एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा पढ़ाई करता है अपना काम करता है, मगर समहाउ उसे एक जगह पे शूटिंग का ऑफर आता है, तो वो वहाँ पे जाके जैसे ही शूटिंग करके वापस आता है तो वो ऐसा गुमसुम सा रहता है, फिर समहाउ सबको पता चल जाता है कि उसके साथ चाइल्ड एब्यूज हुआ था, और वही चीज़ शर्मन जोशी और उसकी वाइफ जब सामने लेके आती है तो उन दोनों का मुंह बंद करने के लिए 10 करोड़ रुपए का चेक उनके सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि पैसा रखो अपना मुंह बंद रखो और ये नॉन डिस्क्लोजर जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करो कि आप कभी भी किसी के भी सामने इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट और टर्न आते हैं उसके लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी दोस्तों। मेरा तो ऐसा मानना है कि जब इसका पहला एपिसोड आया ना तो मैं देख के शॉक हो गया, मैंने कहा कि भाई साहब बहुत ही अच्छी वेब सीरीज होने वाली है, मगर जैसे ही एक के बाद एक एपिसोड इसके आते गए उसके बाद मुझे लगा कि जिस तरह से पैंट का नाड़ा अगर ढीला हो जाए या बेल्ट निकल जाए ना तो पतलून गिर जाती है ना, उसी तरह से इस स्टोरी की एडिटिंग डायरेक्शन स्क्रीन प्ले इतना ढीला ढाला था ना कि ये पूरी वेब सीरीज ऑन दे मुंह गिर जाती है दोस्तों। बीच के सारे एपिसोड में इतना ज़्यादा मेलो ड्रामा जिसका ना कोई सर था ना पैर था, हालांकि सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी मगर एडिटिंग डायरेक्शन के नाम पे ये वेब सीरीज ने हग दिया। वो कहते हैं ना हग्गू वेब सीरीज निकली है जो आपको जरा भी एंगेजिंग करके नहीं रखती, और जैसे ही लास्ट का एपिसोड आता है तो बहुत अच्छे नोट पे यानी कि पॉजिटिव नोट पे इस वेब सीरीज को खत्म कर दिया है, और यहाँ पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसका सेकेंड पार्ट जैसा कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों मुझे तो ये वेब सीरीज ठीक ठाक लगी, मगर आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।